कीर्तन है खाना हम खाने लगे हैं आ रहे गाड़ी आ रहे हैं दोनों कार कर रहे हैं हम तित्तर जो है ना वो छुप गया है एक तित्तर तो मार दे एक तित्तर को तित्तर का शिकार करने के बाद हम निकले रेगिस्तान में फर्द जैसे मूव किया रास्ता और ज़्यादा मुश्किल होता गया आप देख सकते हैं जीप हमारी काफ़ी पुरानी थी फंस रही थी काफ़ी ख़राब हो रही थी लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हम जो है अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा हुए आप बैकग्राउंड में मेरे देख सकते होंगे ये ना लोकेशन आइडेंटिफाई की हमने तो सुबह हमने आना यहाँ पे और यहाँ पे जो है वेट करना है सुबह सुबह जो है ना सूरज निकलने से पहले पहुँचना पड़ता है आपको ना तो ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है। अभी हम जैसे ही आ रहे थे ना तो 3-4 फाख्ताएँ जो है ना वो यहाँ से उड़ी हैं लेकिन ना वो थोड़ा डिस्टेंस पर थी जिसकी वजह से हम ना उनको मतलब उनका शिकार नहीं कर सके ना तो ये आप देख सकते होंगे यहाँ पर ना काफ़ी जो पीछे पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ है और ये एक ना शिकार का पॉइंट है ये हंटिंग का पॉइंट है। सुबह आके यहाँ पे हम छुपेंगे और जो है ना हंटिंग करेंगे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये चेक करें ज़रा ये देख ले हमारे हंटर जो है ना वो जा रहे हैं बतखें बिछाएंगे उधर बतखें डाल देंगे बतखें वगैरह और उनकी आवाज़ें चला देंगे फिर उसके बाद जो ना हंटिंग करेंगे स्टार्ट। वो देख सकते हैं हमारे हंटर जो हैं बैठ के जा रहे हैं पानी में जा रहे हैं गहरे पानी में। अच्छा अभी जो है ना हमारे जो साथी हैं हंटर्स वो बैठे हुए हैं डक्स के लैंड होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब शाम का टाइम होने वाला है जो डक्स होते हैं ना वो शाम को या फिर सुबह सुबह जो है ना वो लैंड करती हैं जहाँ पे पानी वगैरह होता है। यहाँ पे ना रेगिस्तान में बेसिकली पानी के काफ़ी ज़्यादा वो बने होते हैं तालाब वगैरह बने होते हैं जो बारिश का पानी होता है ना वो आके जो भी नीचे ज़मीन होती है वहाँ पर खड़ा हो जाता है पानी तो फिर वहाँ पर बेसिकली लैंड करती हैं डक्स वगैरह। हमारे जो हंटर्स होते हैं वो छुप के बैठे होते हैं उन्होंने ना पानी में आर्टिफिशियल डक्स फेंकी होती हैं और उनकी वॉइस जो है ना वो चलाई होती है तो डक्स जो है अट्रैक्ट होती हैं देखती हैं कि नीचे डक्स हैं तो आके लैंड कर जाती हैं ना। जैसे लैंड करती हैं तो हमारे हंटर जो छुपे हुए होते हैं वो उन पर फायर कर देते हैं और डक्स गिर जाती हैं फिर उनको ज़िबा करते हैं हलाल कर देते हैं। अभी मैं आपको ना दिखाऊँगा कि हमारे हंटर जो हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं। ये है तालाब और यहाँ पर हमारे शिकारी बैठे हुए हैं। आप मेरी फिंगर की इधर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना वो बैठे हुए हैं ठीक है। इसके आसपास जो है ना वो उन्हें बतखें छोड़ी हुई हैं और साथ में आवाज़ चला रहे हैं। ये कुछ हमारे साथी जो है ना वो खड़े हुए हैं डक्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ये अजमल भाई और जो हनीफ भाई जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ा बिस्तर इन्होंने देख लिया यहाँ पे बैठे हुए थे पानी छानी रखा हुआ है उन्होंने वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। अभी हमारे जो हंटर थे वो छुपे हुए पानी में अंदर। अब ये देख सकते हैं पानी आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऐसा पानी ये मंसूर के विटारा ये हमारे हंटर भाई हैं अजमल भाई ये आज रेस्ट कर रहे हैं सुबह ये जो है ना शिकार करेंगे। अभी दो हंटर हैं मंसूर और दूसरा बरकत भाई वो गए हुए हैं शिकार करने के लिए। पैदल
हाँ भाई शिकारी आ रहे हैं दोनों कामयाब होके। देखिए कितना मुश्किल होता है ना इतने गहरे पानी में। बस पीछे रात चार थी गया बस मारे वे क्या कुछ लड़की हम दिए कुछ पक्की मारे वे ना करो यार वाकई में बंद करो भला वीडियो था थोड़ी थोड़ी तोड़ के पहले दिन का इख्तिताम हुआ। रात को काफी लेट हम जो है वापस आए शिकार करके, तो फिर लाइव हमने रेगिस्तान में कुकिंग की आप देख सकते हैं। इसके बाद जो खाना सर्व हुआ आप खाने की शक्ल देख के आप बता सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इतना फ्रेश गोश्त, इतनी अच्छी इसमें खुशबू, आप इमेजिन नहीं कर सकते इसका टेस्ट कितना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस व्लॉग को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लास्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमने किस किस का शिकार किया और शिकार कैसे किया। हमारे साथ रहें, थैंक यू। Thank you.